फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे समस्त देवी देवताओं की दिनचर्या के, मैं इनके साथ न्यू ईयर पर कैसे जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख चुके होंगे इसके प्रीवियस वीडियो में, कि मैं शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा चुकी हूँ, श्रृंगार कर चुकी हूँ, मंदिर में बिठा चुकी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है इसलिए। तो अब जो है हम अपने शंकर जी का पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं तो स्पेशल तो बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। और इसी बीच में कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, डिस्कस करूँगी। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कभी कभी कुछ लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो शंकर जी उठाने का जो नियम है मैंने आपको बताया, डायरेक्ट उन्हें हाथ ना लगाएं, पहले उनको स्पर्श करें, क्योंकि हमने लकड़ी के उस पर बिठा रखे हैं तो पानी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका आसन अलग बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शिवलिंग हैं। अभी मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ तो आप लोग जो है उनका स्नान भी आई होप देख पाएँ जी। तो ये भांग पड़ी थी, क्योंकि भांग चढ़ती है उन पर, तो जी डालें, लोटे से ही चढ़ा दें, क्या फ़र्क पड़ता है। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, बस बस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये घी जम गया ना, गरम करके डाला था मैंने। फ्रेंड्स, इतनी ठंडी है कि घी जम गया, जबकि मैंने ठंडा करके, वो गरम करके डाला था घी, उसके बाद घी जो है वो जम गया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ चढ़ा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा और चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस बस। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अब शिवलिंग जी हैं तो मैंने पोछ के जो है मंदिर में बिठा दूंगी। इनका पंचामृत से मैंने स्नान करा दिया है और इसके बाद इसी में हम अपने नंदी महाराज का स्नान करा देंगे। इनका भी ज़रूरी है। अगर आपने शंकर जी या शिवलिंग कुछ भी घर में रखे हैं तो नंदी महाराज विशेष ज़रूरी हैं। इन्हें मंदिर में ज़रूर बिठाएँ उनके साथ, क्योंकि यही है एक मार्ग जो आपको शंकर जी तक ले जाएंगे। हाँ, मैं बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, एक यही है जिनकी बात शंकर जी बहुत धैर्य के साथ सुनते हैं और हैं। और मानते भी हैं और 24 घंटे ने अपने साथ ही लेकर घूमते हैं। तो अगर आपने शंकर जी रख रखे हैं तो मैंने बनाई है इस पर वीडियो कि शिवलिंग और शंकर जी के विग्रह के साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, जो आप घर में रखें। इन चीज़ों के बिना शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। आप भले ही फ़ोटो रखें, जैसे कि अगर आपने शिवलिंग रख रखे हैं तो सर्प रखिए, नंदी रखिए, माँ पार्वती और गणेश जी का विग्रह ज़रूर होना चाहिए। इनके बिना शिवलिंग जो है वो घर में नहीं रखा जाता है। इसी पर कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आपने अपने मंदिर को जो है वो शोरूम बना रखा। तो फ्रेंड्स, ये माला मरगज़ की है, क्योंकि मरगज़ के ही शिवलिंग है, तो ये माला मैंने बनवाई थी पर्सनली, जिसे पन्ने का उपरतन कहा जाता है। तो ये शर्प मैंने चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स, अब हम जो है वो मंदिर में और समस्त देवी देवताओं का स्नान शुरू करते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा सा अप करती हूँ, क्योंकि अभी कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था, और कोशिश करती हूँ कैमरे का एंगल ऐसा कर दूँ कि आपको राधा कृष्ण जी भी नज़र आए, क्योंकि अब पूजा मैं नहीं, अब पूजा जो है वो हस्बैंड जी करेंगे कहीं ना कहीं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पूरा दिखाऊं। चलिए शुरू करिए स्नान वगैरह। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे सभी लोगों को, हमारे राधा जी को, कृष्ण जी को, राम दरबार जी को। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप देख पा रहे हो। मुझे लगता नहीं कि मैं कैमरे का एंगल बहुत सही कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं रहता है। एक सेकेंड रुक जाए, मैं कैमरा देख लूँ उसके बाद।
जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं, माँ पार्वती जी हैं, ये शंकर जी हैं, माँ दुर्गा जी हैं, और लक्ष्मी विष्णु जी, इनके बगल में गणेश जी, राम दरबार, हनुमान जी, शिवलिंग, और ये कच्छप हैं, ये नवग्रह का यंत्र है, ऊपर चैतन्य महाप्रभु हैं, माँ सरस्वती जी हैं। तो चलिए स्नान शुरू करिए, मैं बाद में बात करती हूँ। थोड़ा आगे को आ जाएं, सबको दिखते रहें आप। ऊपर भी करा दो। ओम कृष्ण, ओम शिष्टा ने शमर पे हमें। तो फ्रेंड्स, एक समय आप मंत्र एक जप करते समय, अगर आप घर में जैसे कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ओम विष्णाने समर्पयामि नमः का एक मंत्र होता, तो आप ये कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाए, लाए मैं चढ़ा देती हूँ, माला अर्पित करनी है। तो फ्रेंड्स, माला चढ़ानी है तो मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है माला चढ़ा नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं विग्रह जो है वो लुड़का देंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम सबसे पहले माला अपने शंकर जी को पहनाएंगे। ये माला हमारी माँ दुर्गा जी को धारण करा देंगे। ये माँ हमारी पार्वती जी पहन लेंगी। ये हम अपने गणेश जी को धारण कराएंगे। ये वाली माला हम विष्णु जी को पहनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतने शस्त्र धारण कर रखे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये माँ लक्ष्मी जी को पहनाएंगे। और अब हम अपने राधा कृष्ण जी को माला पहनाएंगे। तो इनको फ्रेंड्स, मैं एक बड़ी माला पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें दिक्कत भी ना हो, आराम से एक ही माला में दोनों लोग जो है वो आ जाएं। आ गए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमने पहनाई। ये एक माला बड़ी आप देख रहे हैं, ये हम अपने राम दरबार को पहनाएंगे। समस्त लोग एक ही माला में जो है वो समाहित हो जाएंगे, पहन लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये माला हमने जो है वो अपने राम दरबार को पहना दी है। अब कौन रह गया है? इनका मुकुट गिर गया है, उधर रह गए हैं। ये ऊपर आप चढ़ा दें उनको, सरस्वती जी को चढ़ा दीजिए ऊपर, नित्यानंद जी को चढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ऊपर का व्यू भी मैं शेयर कर दूंगी, कोशिश करूंगी इसकी पिक इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूं, आप लोग वहां चेक कर लें। और ये कुबेर जी को धारण करा दें। तो सबको माला चढ़ गई है फ्रेंड्स, अब पुष्प अर्पित करने की बारी आ गई है। लड्डू गोपाल को मैंने माला नहीं चढ़ी, इनका मुकुट पता नहीं क्यों गिर जा रहा है, क्यों भगवान जी इतना नाराज़ हैं, नाराज़ हो गए। तो फ्रेंड्स, ये सफ़ेद रंग के पुष्प हैं, शिवलिंग पे चढ़ते हैं, तो मैंने सफ़ेद रंग के पुष्प इन पर अर्पित कर दिए हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प माँ सरस्वती पर भी चढ़ते, उनको भी चढ़ा दिए हैं। लड्डू गोपाल जी को भी दो चार फूल चढ़ा दिए हैं, नाराज़ ना हो कि ठंड का नाम देके हमको फूल भी नहीं अर्पित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पुष्प हमने अपने नवग्रह देवता को चढ़ा दिए। इसके बारे में बहुत आप लोग पूछा करते हैं, दीदी ये क्या है, तो इसके बारे में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करती हूँ, नहीं जानकारी दे सकती। तो सभी लोगों को मंदिर में लगभग लगभग पुष्प जो है वो ये गुलाब का पुष्प अपनी माँ पार्वती जी को, माँ दुर्गा को, सबको अर्पित पुष्प मैंने कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबको फूल अर्पित हो चुके हैं, और अब जो है हम इन्हें धूप दिखाएंगे। दीपक एक साइड में जल रहा है, तो कोई ये ना समझे कि बिना दीपक के जो है वो चीज़ें चल रही हैं, नहीं। और हस्बैंड जब तक धूप दिखाते, तब तक मैं इन सबको कुमकुम चंदन जो है वो चढ़ा देती हूँ। तो आप दिखा दीजिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? माचिस रूम में यहीं रखी होगी, मैंने अंगीठी चलाई थी ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चंदन जो है अपने शंकर जी को से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ हम सबका श्रृंगार कर चुके हैं। ओम नमः शिवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय नमः। और फ्रेंड्स, इसके बाद अब जो है हम चंदन अपने समस्त देवी देवताओं को, गणेश जी को, विष्णु जी को, सबको लगाएंगे। ओम शिव गणपति नमः, ओम शिव गणपति नमः, ओम गणपति नमः, गणपति नमः।
हरि विष्णु नमः श्री हरि विष्णु नमः श्री हरि विष्णु नमः ओम श्री धनवंतरि नमः ओम श्री कृष्णाय ओम श्री रामचंद्राय लक्ष्मणाय नमः लक्ष्मणाय नमः ओम हनुमंताय नमः हनुमंताय नमः ओम श्री नवग्रहदेव कुबेर कुबेर ओम श्री चैतन्य महाप्रभु ओम श्री नित्यानंद महाप्रभु जल भरते हैं इन सब लोटों में दिखा दिए क्या धूप आप ही दिखा दें पीछे खड़े तो हैं मैं तिलक लगा रही हूँ तो फ्रेंड्स ये हमने सबको कुमकुम चंदन लगा दिया है। आप लोगों का कमेंट होगा कि दीदी आप जो है ईयरबड से क्यों लगाती हैं, दिखा दिया है अभी थाली में रख दें तो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि दिखाएं आप दिखाएं घंटी में बजा देती हूँ, वस्त्र नहीं अर्पित किए अभी तो वो इसलिए फ्रेंड्स मैं दे देती हूँ तोड़ तोड़ के कि अब फ्रेंड्स ये कलावा रूपी हम वस्त्र जो है प्रभु को अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं मैं प्रतिदिन यही क्रिया करती हूँ, नववर्ष पर भी यही करती हूँ। तो चलिए तो फ्रेंड्स हस्बैंड चढ़ा रहे हैं अपना मंत्र बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसलिए क्योंकि एक तो श्री विग्रह जो हैं वो ब्रास के हैं, प्रतिदिन इन विग्रहों को उठा के हिला के स्नान किया नहीं जाता। अगर रोज़ कुमकुम चंदन अगर माथे पर लगा दूंगी तो वैसे सबको आप देखें स्टोन का कुमकुम चंदन लगा हुआ है, अगर रोज़ उठा के कराऊंगी स्नान तो होगा क्या कि विग्रह कहीं ना कहीं धीरे धीरे काले पड़ने लगेंगे। प्रतिदिन सबके स्नान कराने पड़ेंगे। ईयरबड से लगाने से एक तो जो है कि सीधा सा देवी देवता को अर्पित कर देती हूँ और सीधा चढ़ा देती हूँ। नवग्रह रह गए तो फ्रेंड्स ये वस्त्र रूपी हमने जो है वो कलावा अर्पित कर दिया है, लड्डू गोपाल को भी कर दिया, जबकि लड्डू गोपाल को नए कपड़े मिले हुए हैं, उन्होंने आज नई फ्रॉक पहनी हुई है। मैं उनके लिए पर्सनली जो है वो मैंने व्यवस्था की थी, व्यवस्था कैसे की थी आप लोगों ने वीडियो नहीं चेक किया है, फुल वीडियो नहीं वॉच किया है। मैंने बताया था 2019 का स्वागत कैसे करें, मैं टाइटल में देना भूल गई लड्डू गोपाल की शॉपिंग, नहीं तो सब लोग चेक करते। तो चलिए उसे पकड़ में आ गया कि आप लोगों ने वीडियो फुल चेक नहीं किया, मैंने आप लोगों को पकड़ लिया। लीजिए शालिग्राम जी। तो फ्रेंड्स ये वस्त्र रूपी हमने इन्हें जो है वो कलावा भी अर्पित कर दिया है। अब दीपक जो है वो आप दिखा दें, मेरे हाथ धुलने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हस्बैंड जो है वो दीपक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दीपक जो है प्रभु को दिखा दिए गए हैं। अब हम प्रभु को जो है हाथ धो लीजिए, फिर और भी काम करने हैं। हमने मंदिर में चंदन लगा दिया, स्नान करा दिया, वस्त्र चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा दिए, धूप दीपक दिखा दिया है, आरती रह गई है। अब हम नैवेद्य दिखाएंगे और इसके बाद जो है हम लोग आरती करेंगे। आरती जब मैं करूँगी, जब मैं शालिग्राम जी को अपने स्थान पर नहीं, इनके में पुष्प पड़ेगा, पुष्प उठा दें वहाँ से, कोई छोटा सा दे दें। तो फ्रेंड्स जैसे कि लड्डू शंकर जी के लिए तुलसी नहीं चढ़ती है तो आप अब नैवेद्य में देख लें कि क्या क्या व्यवस्था है। बहुत ज़्यादा तो मैं अभी नहीं कर पाई, सुबह का समय है तो इसमें आप देख सकते हैं, आई होप आपको नज़र आ रहे हूँ। ये लड्डू खजूर के हैं, ये बेसन का लड्डू है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं घर में बनाऊंगी, मैंने घर में बनाए हैं। और ये बूंदी का लड्डू हस्बैंड बाज़ार से लाए हैं, तिल के लड्डू बाज़ार से आए हैं, और ये आटे के लड्डू हैं, ये सौंठ और हल्दी के लड्डू हैं। तो फ्रेंड्स ये भोग मैं मंदिर में प्रभु को सुबह सुबह अर्पित करूँगी, तो ये मंदिर में रखे हुए हैं। और एक और थाली होगी, इसमें तुलसी
दल पढ़ा हुआ है। ये भोग हमारे राधा कृष्ण जी, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे राम दरबार जी के लिए और विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि इसमें तुलसी जो है वो पड़ी हुई है। तो इनको मैं दूध दूंगी साथ में, ऐसे भोग नहीं लगाऊंगी। लाए दे दे, तो फ्रेंड्स ये रहा इनका दूध और भोग। तो मैं ये भी यहीं रख दूंगी पास में ही, और ये इनके पादुका नीचे रख दूंगी। तो फ्रेंड्स लगभग आपको उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये रहा थोड़ा सा किसका यार, इसे आप कर देना, आप अपना काम करिए। तो फ्रेंड्स ये हस्बैंड जो है वो आशमनी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। ये रही भांग जो कि मैं अपने शिवलिंग पे चढ़ाती हूँ। भांग हमेशा ऐसे चढ़ाई जाती है, तो क्योंकि शिव जी को भांग अति प्रिय है, भोजन दे ना दे भांग जरूर दे। कुछ लोग कहते हैं नशेड़ी टाइप के प्रभु हैं ये, तो ठीक है यही सही है। तो कपूर ला दें, और वो कपूरदानी कहेंगे लाए। तो फ्रेंड्स ये हमने भांग चढ़ा दी है। मेरी अभी पूजा रह गई है, हस्बैंड ने अपने हिस्से की पूजा कर ली है, मेरे हिस्से की रह गई है मैं कर रही हूँ। हम अपनी देवी जी को जो है वो अब धूप दिखाएंगे। इसमें कोयला डाल देते यार। तो फ्रेंड्स अब हम जो है मंदिर में धूप दिखाने जाएंगे हम अपनी दुर्गा जी को। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने तो फ्रेंड्स ये हमने मंदिर में धूप दिखा दी। हम लोग भी यही धूप ग्रहण कर लेंगे, और ये घर के वातावरण को शुद्ध करती है, पॉजिटिव एनर्जी लाती है। आप भी ले लें, तो धूप अवश्य दिखाएं, धूप जरूर जलाएं। कुछ लोग कहते हैं गूगल लोहा नहीं जलाया जाता, वो मुसलमान जलाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गूगल लोहा ने कभी नहीं कहा कि हम मुसलमान जलाते हैं, कोई भी जला सकता है। और जल दो जगह रखा हुआ है, एक ये जिसमें पुष्प की पत्ती पड़ी हुई है, दूसरा एक छोटा सा लोटा होगा तो वो रहेगा राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल के लिए। और थोड़ी देर बाद अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में आज हम लोग जो है क्या बनाने वाले हैं, नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं बताइए, क्या बनाने वाले? ये तो भूल गए फ्रेंड्स, ये तो भूल गए फ्रेंड्स, मैं नाश्ते में बनाऊंगी मूंग दाल की मंगौड़ी। हमारे यहाँ मंगौड़ी कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ मंगौड़ियाँ कहते हैं, मैं मंगौड़ी बनाने जाऊंगी, उसी का भोग प्रभु को अर्पित करूंगी। अब मैं थोड़ा सा अपने हाथों को जो है वो साफ कर लूँ, क्योंकि मंदिर का सारा कार्यक्रम मैंने निपटा दिया है। अब अंत में आखिरी कार्यक्रम बचता है, ये बचता है दीप। तो दीपक तो हो गया बहुत ज़्यादा गर्म, ये रही धूप। तो फ्रेंड्स ये धूप हम अपने पितरों को दिखाएंगे, मैं रोज़ उन्हें दिखाती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स कौन कौन है मैं बता दूँ, मेरे स्वर्गीय माता पिता हैं और हस्बैंड के स्वर्गीय माता पिता हैं, छोटे छोटे तस्वीर के रूप में। कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ गलत है, मंदिर में विग्रह नहीं लगाना, वो फोटो नहीं लगाना चाहिए पितरों की। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, भगवान खुद ये बात कहते हैं कि सर्वप्रथम गुरु और भगवान आपके माता पिता ही होते हैं, उसके बाद आप भगवान को पहचानते हैं, क्योंकि वो आपको भगवान को पहचानना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स लगभग आपने मंदिर की पूरी जो है वो स्थिति देख ली है, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। एक चीज़ इस समय आप लोगों को थोड़ा सा मतलब दिमाग में घंटी बज रही होगी कि दुर्गा जी और पार्वती जी कुछ अलग नज़र आ रही है। उसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि मैं अभी गई थी, मैंने इन्हें ना श्रृंगार करवा दिए हैं दुर्गा जी का, अमा पार्वती, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट दे दिन के आईब्रो बनाइए, इनको आई लैशेस लगाइए। तो देखिए फ्रेंड्स मुझसे तो हो नहीं पाता, मैं विग्रहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, भगवान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने जो इसी तरीके से कर दिया, और ये हमारे पितरों का इस समय भोग है, बताते खाएंगे सब लोग। और ये जो हमारी पूजा की थाली है, कुछ लोग कमेंट आते दीदी आपकी घंटी बहुत प्यारी, हाँ जी तो बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारी पूजा की थाली, आई होप आप लोग देख रहे होंगे, कई वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ इसके बाद हम जाएंगे पूजा करने, वो आरती करने। तो पहले नाश्ता इस तरह की तैयारी करते हैं, फिर क्योंकि दिन भर पूजा पाठ चलेगा आज, तो नाश्ते का खाने का। तो फ्रेंड्स इस समय समय जो है
वो 7 बजने जा रहा है, हम लोग बहुत देर से मंदिर में बैठे हुए हैं, आप लोग खुद टाइम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप लोग क्योंकि कमेंट आते हैं दीदी टाइम ज़रूर बताया करें, उससे हम लोग भी अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा सेट कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इस समय 7 बजने जा रहा है, मैं अब जाऊँगी इनके लिए नाश्ता बनाने, कोशिश करूँगी 8:30-9 बजे तक इनको नाश्ता दे दूँ, टाइम से खाना दे दूँ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ मैं खुद से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड और भी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन करें, बहुत अच्छी फैमिली हमारी इंस्टा पर है, सब लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ऑल के बटन पर प्रेस करिए ताकि आपके पास वीडियो की भी नोटिफिकेशन आती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए आप लोग नई साल अच्छे से मनाइए, बढ़िया से सेलिब्रेट करिए। और एक चीज़ और मैं भी बता दूँ, वो थर्मल लिया ना छोटी वाली, कुछ लोगों का कमेंट आया कि आप जो है जितनी सेवा भगवान की करती हैं इतनी सेवा जो है इंसान की करिए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए हमें आप कहते हैं कि आप कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, देखिए जमाना बहुत भिन्न टाइप का है, मैंने कई बार देखा है। पैसे तो मैं किसी को दान नहीं करती, जो बात है वो स्पष्ट है। कोई अगर मेरे पास भूखा आ जाता है, हस्बैंड जानते हैं मैं मंदिर में बैठी हूँ, मैं उसे खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, भैया तू चल ले जो भी खाना हो खा ले। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो मैं काम करती हूँ, शायद हो सकता है आपको पसंद ना आए, आप लोग को अजीब लगे, तो मैं नया लेकर आई थी तो आप लोग देख सकते हैं ये छोटी छोटी थर्मल है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हों, छोटी सी एकदम छोटी सी, 0 साइज़ के बेबी जो होता है ना 1 ईयर का या 0 साइज़ का उसके लिए है। तो ये है क्यों वो आप समझ लें, ये पूरे 2 पेयर में लाई, एक ये 2 थर्मल हैं अपर और ये 2 हैं जो है वो लोअर, ये मैं लाई क्यों वो समझें, वो इसलिए कि हमारे मोहल्ले में एक डॉगी है, उसने बेबी दिए हैं तो उनके बेबी के सारे बच्चों ने कपड़े पहन लिए, 2 बेबी रह गए, उनको मैं ऊपर का थर्मल पहनाऊंगी अपर पहनाऊंगी। जानवर की सेवा करिए, वो कहीं ना कहीं पुण्य देता है आपको, और नर की सेवा भी करनी चाहिए, ज़रूरतमंद नर की भी सेवा करनी चाहिए, वो भी मैं करती हूँ। अब मैं पूरी लाइफ यहाँ पे अपनी शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मैं वीडियो में एडिटिंग नहीं करती और हर चीज़ ऐसे दिखाऊंगी तो फिर बहुत लंबे वीडियो जाएंगे। मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती, मैं पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें दिखाती हूँ। मैं खुद कहती हूँ कि अगर आप हर पूजा के बाद दान नहीं करते तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है। तो आप लोग समझें कि मैं दान पुण्य सब करती हूँ, हस्बैंड जानते हैं मैं कितना दान पुण्य करती हूँ, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ ये है कि जानवरों की चिंता ज़्यादा करती हूँ क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं और वो आपसे हाथ पकड़ के मांगेगा भी नहीं, रोएगा और चिल्लाएगा लेकिन आपसे हाथ पकड़ के नहीं मांगेगा। इंसान तो रोकेगा कि भीख मांग के अपना काम चला लेगा लेकिन जानवर नहीं कर सकता। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, न्यू ईयर के साथ साथ हो सके तो अपने गली के डॉगी जो हैं उन्हें, हाँ उन्हें कपड़े पहनाएं और जो भी हो सके उनके प्रति सेवा करें, उन्हें खिलाए पिलाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मंदिर का जो है व्यू अच्छा लगा, राधा कृष्ण जी का पंचामृत से स्नान बहुत जल्दी हो चुका था, स्नान करके श्रृंगार करके मंदिर में बैठ गए थे, इनका श्रृंगार का वीडियो अलग सूट है, अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं ज़रूर से अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं जो है मिलती हूँ आपसे अब इनके नाश्ते के साथ, कोशिश करूँगी नाश्ते की वीडियो मैं शेयर करूँ आप लोगों को, फाइनल लुक दिखा देती हूँ क्योंकि अब शालिग्राम जी चले जाएंगे बाहर तुलसी जी के पास, अभी मुझे तुलसी जी का पूजन भी करना है तो बहुत सारे पूजन पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ देख लें कि ये हमारे जो है वो लड्डू बाबू शालिग्राम जी बैठे हुए हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा हम बाहर जाने वाले हैं, लड्डू बाबू कह रहे हैं हम भी आने वाले हैं हाथ सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, अच्छे से नई साल मनाइए, नई साल की हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष से मेरी प्रार्थना है मंदिर में बैठे उस समय कि हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं इनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु जरूर से पूरा करें और जल्दी से पूरा करें। तो आपकी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बकिया बाय बाय, बकिया बाय बाय। तो फ्रेंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, आप भी याद दें बकिया बाय बाय।